मध्य प्रदेश मुरैना में जैन धर्म के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम सुरेश जाधव को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले मुरैना NH3 पर बने जैन मंदिर की 3 मूर्ति एवं 50,000 नगद चोरी हुआ था। उस दौरान जैन धर्म के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर चक्का जाम किया, परंतु जिला प्रशासन के समझाने के बाद जाम को खोल दिया गया था और प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द मूर्ति बरामद कर ली जाएगी, परंतु मूर्ति बरामद नहीं हुई। इस बात से गुस्साए जैन धर्म के सैकड़ों लोगों ने मौन जुलूस निकाला, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी अपनी भागीदारी निभाई। वहीं जैन धर्म के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर भगवान की प्रतिमा नहीं वापस आई तो जैन धर्म बड़ा आंदोलन करेगा। प्रशासन ने हमसे 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन 2 दिन की समय सीमा काफ़ी पहले निकल चुकी थी, चूँकि लोकसभा चुनाव था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो हम लोगों ने भी प्रशासन को डिस्टर्ब नहीं किया, प्रशासन के साथ कोऑपरेट कराया, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी तरह का कोई क्लू पुलिस के हाथ में नहीं आया है। समाज में बड़ा आक्रोश है और यदि अतिशीघ्र मूर्तियों की बरामदगी नहीं हुई तो हम निश्चित रूप से भविष्य में कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और क्या आश्वासन दिया अभी उन्होंने? अभी SDM साहब ने आवेदन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन्हें अतिशीघ्र कोई सफलता मिलने जा रही है। आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? हम लोग अभी एक दिन कल का दिन इंतजार करेंगे और परसों हम पंचायत करेंगे। हम पंचायत में सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा, चाहे वो अनिश्चितकालीन धरना हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो बाजार बंद हो, किसी भी तरह का हम कदम उठा सकते हैं। पिछले दिनों लगभग 10 दिन पहले उनके जैन समाज के एक मंदिर था, उस मंदिर में से कुछ 3 मूर्तियां लगभग चोरी हुई, उसके साथ ही कुछ सोने चांदी के बर्तन ऐसा बताया गया हमके द्वारा कुछ चोरी हुए, तो उसके क्रम में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा कि इसकी जल्दी जल्दी जांच कराई जाए और मूर्तियों को बरामद कराया जाए। आश्वासन क्या दिया सर? हमने आश्वासन दिया है उनको कि इस मामले में हम जल्दी कार्रवाई करेंगे और उनकी मूर्तियों को जल्दी बरामद कर लिया जाएगा।